गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन लर्निंग स्ट्रेटजीज। तो लास्ट में हमने जो बात की थी वो अलग अलग लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में है कि सीखने की क्या रणनीतियाँ हैं। पहले हमने यही बात की थी कि सीखना क्या है, सीखने की रणनीतियाँ किसे कहा गया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने चार रणनीतियाँ या स्ट्रेटजीज की बात की है। पहली थी इसमें कोऑपरेटिव, उसके बाद हमने बात की कोलाबरेटिव, तीसरी थी पीयर ट्यूटरिंग और लास्ट में हमने बात की थी ग्रुप लर्निंग के बारे में। और इन चारों लर्निंग स्ट्रेटजीज में सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो स्कूल और टीचर है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी से कंसर्न्ड है कि इसमें एक स्कूल या टीचर क्या भूमिका अदा करता है। अब ये बात हमें क्लियर है, स्कूल टीचर से संबंधित है, टीचर स्कूल से संबंधित है। अगर मान लीजिए स्कूल में टीचर नहीं है, वो स्कूल ही नहीं है, और एक टीचर स्कूल में नहीं है वो टीचर फिर भी है, क्योंकि वो जिसने पढ़ाना है, जो शिक्षक है, वो तो शिक्षा कहीं भी दे सकता है। पर हमने स्कूल को क्यों लेके चले हैं, क्योंकि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी जो संख्या बच्चों की है वो स्कूलों में जाकर ही आज के समय में शिक्षा ग्रहण करती है। इसीलिए स्कूल एक ऐसा संस्थान है, एक केंद्र है जहाँ पर बच्चों को एक सिस्टमेटिक वे से जो हमारी एजुकेशन है वो दी जाती है और इसको देने का काम टीचर करते हैं। अब बात आती है कि रणनीतियों का क्या महत्व था, रणनीतियों या शिक्षण जो टीचिंग स्ट्रेटजी लर्निंग स्ट्रेटजी बनाई गई उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे मेन इम्पोर्टेंस ये थी कि क्लास में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे अच्छे हैं, प्रतिभाशाली हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से सीखते हैं, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य बुद्धि लब्धि के होते हैं। कहने का भाव ये है कि एक टीचर ने अपने 35 से 40 मिनट की क्लास में जो 30 मिनट पढ़ाया है उसमें से बच्चों को 3 या 4 ऐसे होंगे जितना उसने पढ़ाया है उसमें से 70-80% गेन किया। 2-3 या 3-4 बच्चे ऐसे होंगे जितना उन्होंने पढ़ाया उसमें से 10-15% ही गेन किया, और बीच के ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो टीचर ने पढ़ाया उसमें से 50-60% गेन किया। ऐसा कभी नहीं होता कि टीचर ने जो पढ़ाया है सामने बैठे हुए बच्चे 100% गेन कर लें। वो सिर्फ वही बच्चे होते हैं जो 1-2 गिफ्टेड या सीखने में बहुत ही अच्छे प्रतिभाशाली होते हैं। कुछ बच्चे क्लास में आपने ऐसे भी देखे होंगे जो टीचर के जो आज टॉपिक करवाना है शायद उसको पहले ही कर चुके हों, पर वो ऐसे बच्चे क्लास में कहें या स्कूल में कहें 1-2 ही होते हैं। अब जैसे कि हम अगर बात करें टीचर की, टीचर ने मान लो एक लेसन पढ़ा रहे हैं, लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश का लेसन है, हम सभी बच्चे सुन रहे हैं, आज यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अब आगे वाला हम घर जाके भी तो पढ़ सकते हैं क्योंकि मुझे उसको पढ़ने की एक क्यूरियोसिटी है, पर नहीं, टीचर कल आएगा, वो ही पढ़ाएगा, तभी सुनेंगे, तभी मज़ा आएगा। एक बच्चा ऐसा है जिसने जहाँ तक टीचर ने पढ़ा दिया वो घर जाके फटाफट उसको भी पढ़ लेता है। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ स्टूडेंट क्या है। तो अब क्लास में वो जो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, जो लेट सीखते हैं, या औसत जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, टीचर का स्ट्रेटजी बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उन सब बच्चों को एक साथ सीखने में हेल्प करना, ताकि बच्चे सभी मिलकर सीखें और कोई भी पिछड़े नहीं। आपको एक बात और क्लियर करूँ, पहले बच्चे फेल होते थे आज से 10 साल पहले, क्योंकि 2009 में जो RTE एक्ट आया उससे पहले ही अगर हम बात करें, सेमेस्टर सिस्टम आया, तो सेमेस्टर सिस्टम लाने के पर्पज़ क्या था, 6 में जो बच्चे फेल होते हैं उनका मेंटली जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है। वो बच्चा फेल हो गया, उसके माइंड में भी ये चीज़ बहुत घर कर जाती है कि वह फेल हो गया, मैं इसका मतलब पढ़ नहीं सकता, या मेरे को समझ नहीं आती, या टीचरों के द्वारा कई तरह के वर्ड्स कहे जाते थे, ये नालायक है, इसका दिमाग नहीं काम करता, ऐसी कई बातें कही जाती थी। समय के अनुसार ये बात निकल के सामने आई कि कोई टीचर किसी बच्चे को इस तरह के शब्द नहीं कहेगा।
कोई बच्चा फेल नहीं करना, आप उसको ग्रेडिंग कर दो। हाँ, एक आधे में कमज़ोर है तो उसका पेपर दोबारा देने के लिए कहेंगे। तो मतलब फेल करने इसलिए बंद किए ताकि बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, मान लो एक बच्चा सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में फेल हो गया, तो वो वहीं पे पढ़ाई छोड़ देता है। अब उसकी आगे की लाइफ सारी एक अनपढ़ की तरह बीतती है। पर अगर मान लो वहाँ फेल नहीं होता, क्या पता वो चौथी पाँचवीं के बाद वो समझदार हो जाए, इस बात को समझ जाए, तो वो जो आगे की है ज़िंदगी जो बची हुई है उसको सही दिशा देने के लिए इन चीज़ों को चेंज किया गया कि कोई बच्चा पढ़ाई ना छोड़े, सभी पढ़ते रहें, 100% बच्चे पढ़ें, 100% बढ़ें, मतलब 100 के 100 अगर क्लास में हैं तो सभी बच्चे पढ़ें भी और साथ में पास भी हों, अगली क्लास में भी शिफ्ट हों। अब बच्चा जब नई क्लास में जाता है तो उसमें कितना पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, शुरू शुरू में नई क्लास में जाने पर बच्चों का क्या किस तरह का बिहेव होता है, वो बड़े खुश होते हैं। उन जो नए टीचर अलॉट होते हैं उनको जानकर भी बड़े खुश होते हैं। तो वो बाद की बातें हैं कि किसने क्या सीखा, पर एक टीचर का जो रोल है वो बच्चे को बनाने में सबसे अहम और मुख्य होता है। दूसरा, अब वो जो रोल ऑफ टीचर के साथ साथ रोल ऑफ स्कूल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जो स्कूल ने अपने नॉर्म्स तय किए हुए हैं तो उन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए भी बच्चों ने क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कितना सीखना है, स्कूल का एनवायरनमेंट इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने में सबसे मेन होती है। आपने किंडरगार्टन या प्ले वे स्कूल सुनी होंगी, या कई ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को एक्टिविटी ज़्यादा करवाते हैं बजाय जो लर्निंग वर्क है, ये जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है वो कम करवाते हैं। वो एक्टिविटी में ज़्यादा जोर क्यों देते हैं? एक तो बच्चे को बर्डन नहीं फील होता, मस्ती मस्ती में वो सीख भी जाते हैं और सीखते भी अच्छा हैं, वो एक बेसिक्स सीख जाते हैं जो बजाय इनके है कि हाँ आप सिर्फ रट्टा लगा के सीख लिया, उसके बेटर ये है कि आपने थोड़ा सीखा पर प्रैक्टिकल करके सीख लिया, या आपने आप करने की कोशिश की है, लर्निंग बाय डूइंग करके आपने सीखा है, वो ज़्यादा आपके साथ रहता है। तो वही चीज़ है कि हाँ, सबसे पहले इसमें हम आज करेंगे एक स्कूल का रोल क्या है, स्कूल क्या क्या अपना रोल प्ले करेगा इन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, फिर उसके बाद करते हैं टीचर क्या रोल प्ले करेगा। इसमें कुछ पॉइंट हैं वो आप नोट कर लो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रेटजी, के सीखने की रणनीतियों में स्कूल की व शिक्षक की क्या भूमिका है। पहला है रोल ऑफ प्रिंसिपल, स्कूल में पहला पॉइंट लिखेंगे हम, रोल ऑफ प्रिंसिपल, शिक्षक प्रिंसिपल की भूमिका। दूसरा है स्कूल एनवायरनमेंट, विद्यालय वातावरण। थर्ड है शिक्षकों का आपसी तालमेल, इंटररिलेशन ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का आपसी तालमेल। सीखने को महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, सीखने का महत्व। लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स, स्कूल की जिम्मेवारी। लिख लिए सभी ने? हाँ, तो पहले पॉइंट में वो क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, प्रिंसिपल की भूमिका। अब जो स्कूल है, स्कूल का जो मुख्य कर्ता है, धरता है, कौन है, वो प्रिंसिपल है। तो जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाएंगी, इम्प्लीमेंट की जाएंगी, वो सारी शिक्षक जो प्रधानाचार्य होगा वहाँ से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एक स्कूल में किस तरह की शिक्षण या रणनीतियाँ अपनाई जानी हैं, अधिगम के लिए क्या क्या तैयारियाँ की जानी हैं, वो सारी जो मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल कमेटी है वो वहाँ से इम्प्लीमेंट होती हैं। अगर मान लीजिए एक टीचर चाहता भी है और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो अलाउ नहीं करती, तो उन रणनीतियाँ पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल टूवर्ड्स द लर्निंग एस्पेक्ट्स,
कि केवल सीखने की बात ना हो, उनको क्या सिखाया गया है, उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाने हैं, कौन सी विधियां अपनाई जाएंगी, वो भी अपने आप में काफ़ी अहम होती हैं। तो सबसे पहला जो इस कार्य को इम्प्लीमेंट करने में जो रोल होगा वो प्रिंसिपल का होगा। द सेकंड इज स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का वातावरण कैसा है। दूसरा, आप ये देखो कि हर एक स्कूल का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट से मतलब क्या होता है, उस स्कूल में जो बच्चे हैं उनको सीखने का कितना अच्छा वातावरण प्राप्त होता है। आपने स्कूलों में देखा होगा कि जैसे ही आप स्कूल में एंट्री करते हो, बड़े बड़ी पिक्चर्स लगी होती हैं, उस पर स्लोगन लिखे होते हैं, कहीं पे फॉर्मूले लिखे होते हैं, कहीं जो भी ग्राउंड है वहाँ पर भी अलग अलग अच्छे विचार लिखे होते हैं, या स्कूल के हर क्लासरूम में बच्चों ने पिक्चरें बना बना के लगाई होती हैं। तो मतलब कहने का है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आप एंट्री करते ही सीखना शुरू कर देते हो। तो स्कूल का एनवायरनमेंट हमारे सीखने की रणनीतियों में अहम रोल प्ले करता है। स्कूल क्या है, एक खाली दीवारें हैं, उनको संजीव बनाने का काम है वो तो स्कूल के टीचर हैं, जो उसकी कमेटी है वो करती है। टीचर किस तरह की एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चों से क्या कुछ बनवाते हैं, फिर दीवारों पे पेस्ट करते हैं, वो टीचर पे डिपेंड करेगा। तो वो जैसा एनवायरनमेंट स्कूल में होगा, जैसा सीखने का वातावरण होगा, उसी हिसाब से बच्चे सीखेंगे। तो स्कूल के एनवायरनमेंट भी अपना एक अहम रोल प्ले करता है बच्चों के इन तरह की अधिगम नीतियों को लागू करने में। थर्ड है शिक्षक तालमेल। अब कोई भी रणनीति अगर हम बात करते हैं तो स्कूल में तभी इम्प्लीमेंट होगी जब शिक्षक और टीचर्स का आपस में तालमेल होगा, टीचर्स का टीचर में, टीचर का प्रिंसिपल के साथ। अगर इनमें आपसी तालमेल नहीं है तो क्या होगा, एक दूसरे की सिर्फ चुगली, बुराई और नीचा दिखाना रह जाएगा। अगर एक टीचर कोई आगे आके काम करना चाहेगा तो अगर प्रिंसिपल उसको अलाउ भी कर देता है, कल को बाई चांस हो सकता है 1% उसके रिजल्ट पॉजिटिव ना आए, या मतलब उसने मेहनत की थी पर बच्चे साथ नहीं दे पाए, या किसी वजह से ठीक इम्प्लीमेंट भी हो जाता पर नहीं हो पाया, तो उस समय जो दूसरे टीचर हैं उनका साथ देने की बजाय वो उसको गलत डायरेक्शन देने लगे, तो वहाँ पर इस तरह की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो किसी भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में टीचर्स का आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स का प्रिंसिपल के साथ तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये काम आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है सीखने को महत्व। बात ये आती है कि आप रट्टे पर महत्व देते हो या सीखने को महत्व देते हो। तो स्कूल जैसा चाहेगा, अगर स्कूल को लगता है कि हमने अपने बच्चों को कुछ अलग से सिखाना है, अब स्कूल कई ऐसे हैं जिसमें NSS एक्टिविटी होती हैं, NCC एक्टिविटी होती है, फर्स्ट एड एक्टिविटी होती है, या जो लड़कियां हैं लड़कियों को सिखाने के लिए अलग अलग एक्टिविटी सिखाई जाती हैं। मतलब डिपेंड करता है स्कूल अपने स्कूल में किस किस तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है जिनसे बच्चों को सीखने को मिलें। और कई स्कूल ऐसे भी हैं वो कहते हैं हम फालतू पचड़ों में नहीं पढ़ेंगे, बच्चे आएँ पढ़ें जाएँ बस, टेंशन खत्म। तो डिपेंड करता है, स्कूल भी इसमें अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। और लास्ट में क्या था, स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लास्ट में जैसे मैंने कहा है कि सारी बातें घूम फिर के स्कूल के ऊपर आती है कि स्कूल अपने कार्य के प्रति किस किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गेन करता है, अफोर्ड करता है और उनको पूरी करने में अपने आप को डालता है। तो स्कूल ही सब बातों को निर्धारण करता है, चाहे वो सीखने के लिए हो, सिखाने के लिए हो, टीचर्स की पार्टिसिपेशन हो, स्टूडेंट टीचर पार्टिसिपेशन हो, एजुकेशनल टूर हो, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी स्कूल के ऊपर, स्कूल के मैनेजमेंट, स्कूल के प्रिंसिपल पर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर क्या है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं स्कूल सारी बातों के लिए यस कर देता है, तो अब यस करने के बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल किसका मेन है, टीचर का है। अब टीचर क्या कुछ कर सकता है, टीचर की क्या इसमें अहम भूमिका रहती है। तो सबसे पहले है क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा कक्ष वातावरण। दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्लास। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिक्षक जिम्मेवारियां।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, विद्यार्थियों की भागीदारी। नेक्स्ट है टीचर ऑल इन ऑल, शिक्षक ही कर्ता धरता है, सर्वे सर्वा कह सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर इमेजिनेटिव टीचर, कल्पनाशील शिक्षक। इमेजिनेटिव टीचर, कल्पनाशील शिक्षक। शिक्षक एक निर्देशक के रूप में, टीचर एज ए गाइड। लिख लिया यहां तक? पहला पॉइंट क्या है इसमें? अब जैसे हमने स्कूल की बात की थी, स्कूल अपनी एक अहम भूमिका अदा करता है, उसके बाद क्लास अपनी एक अलग भूमिका अदा करती है कि आपकी क्लास में किस तरह का एनवायरनमेंट है सीखने के लिए, वो बच्चों को प्रभावित करता है। रणनीतियां भी तभी सक्सेस होंगी जब उसमें टीचर अपना अहम रोल अदा करेगा, और वो किसी एक टीचर के करने से नहीं होता, जब सभी टीचर मिलकर अपनी पार्टिसिपेशन देते हैं तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर एक दो टीचर कर रहे हैं और बाकी किसी तरह के टीचर उस चीज़ को पीछे हटा रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, इसमें तो ये होता है वो होता है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि सभी टीचरों का आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस तरह के काम सक्सेस हो पाते हैं। तो इससे आपके स्कूल का, आपकी क्लास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनता है, जहाँ सकारात्मक वातावरण होगा बच्चों को सीखने के लिए। आप किसी भी तरह की स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करो, बच्चे बहुत ही खुशी खुशी से सीखेंगे, और उसमें सभी बच्चे मिलकर सीखेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि बात क्या आती है कि अब वो जो क्लास में बैठे हुए 30 बच्चे हैं, 30 के 30 बच्चे अलग अलग परिवारों से आए हैं, हर एक के परिवार का अपना अलग तरह का वातावरण है, हर एक बच्चे की अपनी अलग सोच है, हर एक बच्चे की सोच के साथ अपने करने के ढंग अलग अलग हैं। तो जब वो 30 बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं, अगर उनमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में मिलकर करने की सोच होगी, तभी इस तरह की स्ट्रैटेजी पॉजिटिवली आगे बढ़ पाती है। और वो सारा डिपेंड करता है टीचर पे कि वो उनको किस तरह से जोड़कर आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की संख्या। अब जो भी स्ट्रैटेजी है वो डिपेंड करता है, अगर टीचर इंप्लीमेंट करना चाहता है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। अगर तो सही रेशियो है 31 की है कि 30 पर एक टीचर है, तो 30 बच्चों को टीचर आराम से क्लास में ध्यान दे सकता है, हर एक पर नज़र रख सकता है, हर एक को ऑब्जर्व करके हर एक की एक्टिविटी को नोटिस कर सकता है। और ठीक है, अगर मान लो थोड़े ज़्यादा हैं और टीचर चाहता है कि कोई ग्रुप बनाए जाए कि क्लास में 2-4 ऐसे बच्चे हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो तब इस टीचर को अपनी क्लास की जो संख्या है उसके हिसाब से किसी भी तरह की टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि वो किस टाइम इस काम को यूज़ करते हैं, खाली पीरियड में करते हैं, जीरो पीरियड में करते हैं, स्कूल लगने से पहले करते हैं, स्कूल लगने के बाद करते हैं, ये एक्टिविटी कब प्रोसीड होंगी वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक की जिम्मेवारियाँ। बात सारी घूम फिर के ये आती है कि टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कितना सजग है, अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना जानता है, अपने काम को किस तरह से पूरा करता है, किस तरह से उसको काम करने की उसकी अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहा है। और डिपेंड करता है कि वो जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या उसने उसकी पास उसकी कोई ट्रेनिंग है, या उसने उसको सीखा है, या पहले करके कोई अनुभव किया है, वो सारी बातें निर्भर करेंगी। एक खाली हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है कि ठीक है आज ये करके देख लिया, नहीं सक्सेस हुई, कल दूसरी कर ली, तीसरी परसों कर ली, उससे क्लास का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, डिसिप्लिन जीरो हो जाता है, आपकी जो इमेज है वो कल को डाउन हो जाती है। तो डिपेंड करता है एक टीचर पे, शुरू में आप जब टीचर हैं तो आप एक टीचर की ही भूमिका अदा करते हुए अपने कार्य को अच्छे से पूर्ण करें। नेक्स्ट है अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स है कि कोई भी रणनीति या शिक्षण नीति अपना अधिगम की स्ट्रेटजी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें विद्यार्थी कितने पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। अगर विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं
तो किसी भी तरह की रणनीति इम्प्लीमेंट करना जीरो है, क्योंकि किसके लिए बनाई गई है? विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। अगर विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, अगर वो खुल के अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, वैसे तो टीचर की जिम्मेवारी है वो उनको एक इकट्ठा करके बढ़ाने की कोशिश करे, पर आप उसके साथ धक्का नहीं कर सकते। अगर वो चाहते हैं, टीचर चाहता है, दोनों चाहते हैं, तो इस तरह का काम आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है, ऑल इन ऑल सारी जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइजिंग है वो टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर ने किन बातों के बारे में कब निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना है, कैसे लेना है, क्या करवाना है, कब करवाना है, कितना करवाना है, इन सब बातों के बारे में एक टीचर ने ही सोचना है। इसीलिए सारी जो एक्टिविटी है उसका ऑल इन ऑल करता धरता टीचर ही है। लास्ट है इमेजिनेटिव, एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो अपने काम को कितने कल्पनाशील ढंग से पहले उसके बारे में सोचता है, रणनीति बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट है टीचर एज ए गाइड, शिक्षक एक निर्देशक के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है बच्चों के लिए, जिससे बच्चों को समय आने पर किस तरह की गाइडेंस चाहिए वो दे, किस तरह के उनको निर्देशन चाहिए वो समय पर अपना रोल प्ले करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को कम्प्लीट करें। तो आज का हमारा मेन टॉपिक था रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन लर्निंग स्ट्रेटजी, के इस तरह की शिक्षण या अधिगम रणनीतियों को अपनाने में स्कूल क्या भूमिका अदा करता है, टीचर क्या अदा करता है। रोल ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी या टीचिंग स्ट्रेटजी, लर्निंग स्ट्रेटजी जो हमने की है, टीचिंग स्ट्रेटजी थर्ड यूनिट में फोर्थ यूनिट में करेंगे, तो उसमें भी रोल ऑफ टीचर या रोल ऑफ स्कूल दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो पॉइंट वही सेम के सेम रहेंगे, क्योंकि डिपेंड सारा कुछ स्कूल और टीचर पे करता है कि वो क्या क्या टीचरों को कितनी छूट देता है कि वो अपने बच्चों को सिखाने के और अलग ढंग को अपना सकें, या जो बने बनाए ढंग हैं उनके हिसाब से अपने काम को पूरा करें। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।